तो वेल गाइज, अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और अपने करंट डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको ऑडियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी सर्विसेज से आप खुश नहीं और आप चाहते हैं स्विच करना किसी और डिस्ट्रीब्यूटर पे, तो ये आप कर सकते हैं विदाउट इवन लूजिंग योर ऑडियो स्ट्रीम काउंट्स एंड प्लेसमेंट जो उन्हें मिली है डिफरेंट प्लेलिस्ट में। कैसे कर सकते हैं जानेंगे आज के इस वीडियो में। इट्स अ बॉय सुल्तान, यू आर वॉचिंग नो हिप हॉप, सो लेट्स स्टार्ट रोलिंग विद दिस वन। सो वेल गाइज, एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हम बहुत बार ये सिचुएशन फेस करते हैं कि जो हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो हमारे ऑडियो को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सारे DSP और म्यूजिक स्टोर्स में, उसकी सर्विसेज से हम खुश नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट्स को लेकर या फिर जो आपको विड्रॉ करना है अमाउंट उसको लेकर आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और कभी कभी ये भी होता है कि एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको काफ़ी अच्छी सर्विसेज दे रहा है, काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स दे रहा है, काफ़ी अच्छे स्टोर्स दे रहा है, तो उस केस में आप हमेशा ये कोशिश करना चाहेंगे कि आप अपने सॉन्ग्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्विच करें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में। तो ये आप कर सकते हैं इजीली। पहले क्या होता था कि पहले अगर आप ये चीज़ करते थे तो आपके स्ट्रीम काउंट्स आपको डिलीट करते ही, जैसे आप अपने प्रोडक्ट को डिलीट करते थे किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर पर, तो वहाँ पर आपके जो स्ट्रीम काउंट्स होते थे किसी भी सॉन्ग के, वो पूरे के पूरे डिलीट हो जाते थे और वो काउंट जो होता है वो ज़ीरो पे आ जाता था। बट अब ये पॉसिबल है कि आप अपने स्ट्रीम काउंट को इंटैक्ट रख सकते हैं और बैक एंड पे आप ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके राइट्स हैं वो आप किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को स्विच कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें बढ़िया चीज़ ये भी है कि आपकी जो सॉन्ग्स को प्लेसमेंट्स मिली है, चाहे वो स्पॉटिफाई में बहुत सारी प्लेसमेंट्स मिली हो या विंक पे या सावन पे आपको बहुत सारी प्लेसमेंट्स मिली है, एप्पल म्यूजिक पे आपको जो प्लेसमेंट्स मिली है अलग अलग प्लेलिस्ट में, तो वो सारी एज इट इज़ रहेंगी, इंटैक्ट रहेंगे, जिससे कि आपके जो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स आ रहे हैं पर डे उसको किसी भी तरह से ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। और साथ ही साथ जो उससे रेवेन्यू आपको मिलेगा उसको भी ये कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला। सो वेल गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके सॉन्ग्स आपने डिस्ट्रोकेट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं और किसी कारण से अगर आप उनकी सर्विसेज से खुश नहीं है और ट्यून कोर जैसी सर्विसेज पे अपने सॉन्ग्स को शिफ्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो काफ़ी ईजी होने वाला है। मैं अपने सॉन्ग्स को डिस्ट्रोकेट और ट्यून कोर दोनों ही सर्विसेज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और आज मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो आप डिस्ट्रोकेट से ट्यून कोर पर जा रहे हो या फिर ट्यून कोर से किसी और डिस्ट्रीब्यूटर पर जा रहे हो, आप ये इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर का डैशबोर्ड खोलना है और वहाँ पर जब आपको सॉन्ग देखने को मिलेंगे तो आपको ये देखना है कि आपको कौन से सॉन्ग्स को शिफ्ट करना। आप सिंगल सॉन्ग, सिंगल एल्बम, ईपी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, या फिर आप पूरे के पूरे अपने कैटलॉग, जो आपने अपना पूरा कैटलॉग वहाँ पे बिल्डअप किया उसको भी इजीली आप स्विच कर सकते हैं किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रोकिट से ट्यून कोर पर आप कैसे इजीली स्विच कर सकते हैं विदाउट लूजिंग योर स्ट्रीमिंग काउंट नंबर्स एंड प्लेसमेंट्स। तो सबसे पहले आपको जाना है डिस्ट्रोकिट पर और वहाँ पर आपको अपने माई म्यूजिक सेक्शन पर जब आप जाओगे तो आपने वहाँ पर जितने भी म्यूजिक को रिलीज़ किया है उन सब की डिटेल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जाके फाइंड आउट करना है UPC कोड। ये होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जो कि आइडेंटिफाई करता है, ट्रैक करता है आपके किसी भी प्रोडक्ट को। आपका सॉन्ग इन डैशबोर्ड्स पे एज ए प्रोडक्ट फंक्शन करता है, तो ये आपके प्रोडक्ट का एक कोड होता है जो यूनिक होता है। जो कोड आपके सॉन्ग को मिला गया है, जो आपके सॉन्ग को प्रोवाइड किया गया है, वो किसी और सॉन्ग को नहीं मिलता। तो आपको सबसे पहले UPC नंबर नोट डाउन कर लेना है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेना है अपने सिंगल या फिर अपनी एल्बम का ISRC कोड। ये होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग कोड और ये कोड भी यूनिक होता है, जिसकी वजह से आप इजीली अपने सॉन्ग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ ये आपको हेल्प करता है इन जैसे केसेस में जहाँ पर आप अपने सॉन्ग्स को स्विच करने वाले हैं। और जैसे ये कोड्स आपके पास आ जाते हैं, इसके बाद आपको जाना है अपने नेक्स्ट स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे जो आपका नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर होने वाला है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं ट्यून कोर का। जैसे आप ट्यून कोर में जाते हैं इनकी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद और आप अपना नया सॉन्ग वहाँ पर रिलीज़ करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग सॉन्ग रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आप उनका डैशबोर्ड खोलेंगे। वहाँ पर आपको अपने सॉन्ग्स की डिटेल एज इट इज़ भरनी है। वहाँ पर जितने आपने क्रेडिट्स दे रखे हैं, क्रेडिट्स आपने एज इट इज़ देने हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि क्या ये सॉन्ग पहले रिलीज़ हो चुका है, तो आपको उसे सेलेक्ट करना है और वहाँ पर आपको इस सॉन्ग्स की डिटेल्स फिलअप करनी है। वहाँ पर आपको ISRC कोड्स, UPC कोड्स आपको प्रोवाइड करने हैं, जिससे कि ट्रैक हो जाए कि यस, दिस इज़ अ सॉन्ग जो कि ऑलरेडी पहले रिलीज़ हो चुका है और अब एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये वापस रिलीज़ हो रहा है। तो गाइज, यहाँ पर क्या हो रहा है, बैकएंड में तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर चेंज हो रहा है, बट अगर आप स्पॉटिफाई पे, सावन पे, एप्पल म्यूजिक पे जाकर देखेंगे तो आपका सॉन्ग एज इट इज़ आपको नज़र आएगा। बस उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, जो नेटवर्क है, वो स्विच हो जाएगा और आपके सॉन्ग के स्ट्रीम्स एज इट इज़ रहेंगे। और साथ ही साथ जो उनको प्लेसमेंट्स मिली है डिफरेंट प्लेलिस्ट में, जो उनको बैनर्स मिले हैं या फिर उनको फीचर्स मिले हैं कहीं पे भी, वो सारे के सारे फीचर्स, प्लेलिस्ट और बैनर्स एज इट इज़ रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे और ये आपके करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है।
तो वेल गाइज, आई एम श्योर कि आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को स्विच करना चाहते हैं किसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से, ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। प्लीज़।